इस वक्त करने का असल काम यह है कि पाकिस्तान की अवामी सियासत के अजीम धारे के आगे बंद बांधने की ला हासिल ही नहीं, हद दर्जे मुजिर और ख़तरनाक कोशिश की बजाय इसमें ईमान और यकीन की चाशनी और हिकमत और मारफत की रोशनी शामिल करने की कोशिश की जाए और इस तरह फिल जुमला उसके रुख को आसमानी हिदायत की जानिब मोड़ दिया जाए। इसमें एक लफ्ज़ आया है कि इसमें ला हासिल ही नहीं, हद दर्जे ख़तरनाक भी है। उसकी वजह क्या है? अगर मजहब के नाम पर आप इस फ्लो को रोकेंगे तो यह सैलाब मजहब को भी बहा कर ले जाए। यह तारीख का वो बहाव है, इट्स द फ्लो ऑफ हिस्ट्री। आप गोया के मजहब का फतवा लगाकर 313 उलमा ने सोशलिज्म को कुफर करार दिया और भुट्टो को वोट मिल गया, गोया कि कौम ने कुफर के हक में फतवा दे दिया। आप इनकी मुखालफत इस धारे की करेंगे तो गोया कि आप अपने आप को इस मौजूदा गले सड़े इस्तेहसाली जालिमाना निजाम को गोया को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे मजहब के नाम पर, जबकि मजहब के एतबार से यह भी उतना ही गलत नहीं, उससे भी ज्यादा गलत है। उसमें तो फिर भी कोई खैर की कदर तो शामिल है, कोई अदलो इंसाफ तो है। यहां तो सबसे ज्यादा गला सड़ा निजाम, जालिमाना इस्तेहसाली निजाम, उसको आप प्रोटेक्शन देंगे। नतीजा यह होगा कि सैलाब बहा के ले जाएगा।